मैं लंचो, मैं एक मेहनती किसान हूं। मेरा पहाड़ की चोटी पर इकलौता घर है, जहां से हम नदी और अपनी पकी हुई मक्की को देख सकते हैं। मक्की पे फूल इतना आकर्षक दिख रहा है, मुझे पता है इस बार दाम बहुत मस्त मिलेगा। बस एक अच्छी सी बरसात की आशा है। आज सुबह से मैंने कुछ नहीं किया, बस आसमान को देख रहा हूं, उत्तर से दक्षिण तक। ये मेरे बड़े बच्चे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। बहुत खूब बच्चों, ऐसे ही मेहनत करते रहो। ये मेरे छोटे बच्चे हैं। अरे वाह बच्चों, तुम बाहर खेल रहे हो। और ये मेरी सुंदर सी पत्नी। आज बारिश जरूर होगी, हमारे मक्के को पानी भरपूर मात्रा में मिलेगा। हाँ जी जरूर, भगवान कृपा करेंगे। मैं आपका खाना बना रही हूँ। आओ बच्चों, रात का खाना कर लो। मुझे लग रहा है आज बहुत बारिश होगी, क्योंकि पूरब और उत्तर में बहुत बड़े बड़े बादल दिखाई पड़ रहे हैं। हवा में भी काफी ताजगी और महक है। बाहर निकल कर देखता हूं, बारिश जब मेरे शरीर पर गिरती है कितना आनंद आता है। अरे सुनती हो, ये बारिश की बूंदे नहीं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदे 10 सेंट की और छोटी बूंदे 5 सेंट की। अरे ये क्या, इतना तेज तूफान! बारिश के साथ साथ ये तो ओले गिर रहे हैं। ये बड़ा गलत है, ये तूफान जल्दी बंद होना चाहिए, नहीं तो हमारी सारी फसल नष्ट कर देगा। ये तूफान और ओले नहीं रुके, मेरा सारा घर और मेरी सारी फसल तबाह हो चुकी है। मेरी फसल ऐसी लग रही है जैसे किसी ने नमक की चादर बिछा दी हो। पेड़ पर पत्ते नहीं रहे, सारा मक्का खराब हो चुका है, फूल भी सभी टूट चुके हैं। इतना नुकसान तो टिड्डों का झुंड भी नहीं पहुंचाता जितना इन ओलों ने पहुंचाया है। हमारा मक्का खराब हो चुका है, हमारी सारी मेहनत खराब हो चुकी है। अब हमारी मदद कौन करेगा? लगता है अब इस साल हमें भूखा रहना पड़ेगा। उस रात घाटी में बड़ी शांति थी,
मतलब घर एकदम शांत था। मैं लेटा हुआ सोच रहा था, अब हमारी मदद सिर्फ भगवान कर सकता है। अरे लंचो, उदास मत हो, याद रख कोई भूख से नहीं मरता, कोई भूख से नहीं मरता। मैं बहुत मेहनती हूं, चाहे मैं जानवरों की तरह खेतों में काम करता हूं, पर मुझे लिखना पढ़ना आता है। आज रविवार का दिन है, सुबह हो चुकी है। मैं भगवान को पत्र लिखूंगा। भगवान कृपया मेरी मदद करें, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। मुझे 100 पीसोस की जरूरत है मेरे खेतों में दोबारा फसल उगाने के लिए और इस साल का खर्च चलाने के लिए। ओलों ने मेरी सारी मक्के की फसल खराब कर दी है। सर ये देखिए, भगवान के नाम लैटर, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा लैटर कभी नहीं देखा। भगवान के नाम क्या विश्वास है इस बंदे के अंदर भगवान को लेकर। वाह मजा आ गया, काश ऐसा विश्वास मेरे अंदर भी होता। हमें लंचों की मदद करनी चाहिए, इसे 100 पीसोस की आवश्यकता है।
मैं अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा दे रहा हूँ, क्या आप भी इस चैरिटी में मदद करेंगे? बिल्कुल सर, क्यों नहीं, ये लो पैसे, आप लीजिए और हम भी दान करेंगे। हाँ सर, ये लीजिए, मैं भी देना चाहता हूँ पैसे। हमने आधे से ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, तकरीबन 70 पीसों। क्या कोई पत्थर आया मेरे लिए? अरे रामू। जी सर। अरे हाँ, ये लो आपका पत्थर। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी संतुष्टि है इस अच्छे काम को करके। मुझे पैसों को देखकर कोई सरप्राइज नहीं हुआ, मुझे बहुत विश्वास था पैसे जरूर आएंगे। नहीं, भगवान गलती नहीं कर सकता, ना भगवान मेरी मदद करने से मना करेगा। मुझे पेपर और पेन दो और स्टैंप भी दो। सर, पत्र आया फिर से लंचों का,
देखिए। भगवान, मैंने आपसे 100 पिसोस मांगे थे, मेरे तक सिर्फ 70 पिसोस पहुंचे हैं। मुझे बाकी 30 बचे पिसोस भी चाहिए। जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूं, मुझे जरूरत है। और अब की बार पैसे मुझे पोस्ट ऑफिस से ना भेजें, मुझे मेल से भेजें, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, वो धोखेबाज हैं।